गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग एस्टेनो चैनल। आज के इस वीडियो में हम डबल स्पेस और टैब के बारे में, कई कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम है जो स्किल टेस्ट के लिए अपियर होते हैं स्टेनोग्राफर के लिए, तो आज हम डबल स्पेस को क्लियर करेंगे। डबल स्पेसिंग होती क्या है, क्लियरली हमने ये चीज़ें कलेक्ट की है और इसमें से आपको कई इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जो बिल्कुल ही क्लियर है। मिस आप इस वीडियो को देखिए और इसमें आपको डबल स्पेसिंग की सारी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी, आई होप। सो नाउ स्टार्ट विद द टॉपिक, दैट इज डबल स्पेसिंग। डबल स्पेसिंग होती क्या है, कहता है डबल स्पेसिंग मेक्स द पैराग्राफ्स मोर रीडेबल व्हेन वी आर टाइपिंग अ लॉन्ग एसे। डबल स्पेसिंग जो है वो कई जो बड़े ऐसे होते हैं, क्योंकि हम लोग 800 वर्ड्स का और 1000 वर्ड्स का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, तो एक तरह के अपने आप में वो लॉन्ग ऐसे हैं, तो वो बेहतर ढंग से पढ़ी जा सके और वो अट्रैक्टिव दिख सके, इसलिए डबल स्पेसिंग की यूज की जाती है। ठीक है, यूजुअली इन टाइपिंग वी फॉलो द फ्लोइंग स्टैंडर्ड्स। जब भी हम लोग यूजुअली साधारण रूप से, नॉर्मल रूप से हम लोग जब टाइपिंग करते हैं तो हम लोग इस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, लाइक स्पेस आफ्टर कॉमा, है ना, हम लोग कॉमा के बाद स्पेस देते हैं, क्लियर है। स्पेसेज आफ्टर फुल स्टॉप, मीन्स आप फुल स्टॉप के बाद भी स्पेस देते हैं। 5 स्पेसेज बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू पैराग्राफ, जब भी आप नया पैराग्राफ शुरू करते हैं तो आप उसके पहले भी 5 टाइम्स स्पेस को दबाते हैं या फिर आप टैब का यूज करते हैं। ठीक है, बिलो इज द एग्जाम्पल फॉर डैट, एक एग्जाम्पल भी हमने लिया है। लाइक देखिए, यहाँ से शुरुआत में देखिए आप, तो यहाँ पे टैब का इस्तेमाल किया गया है या फिर 5 स्पेस आप कह सकते हैं, है ना, उसका इस्तेमाल किया गया है और शुरू किया गया हाई कॉमा, फिर देखिए आपको एक स्पेस दिखेगा, फिर दिस इज अ टेस्ट लाइन फुल स्टॉप, फिर एक स्पेस दिया हुआ है, टेस्ट लाइन कंटेंस कॉमा एंड फुल स्टॉप, फिर से फुल स्टॉप है, फिर यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है, दीज आर नेसेसरी फॉर मोर रीडेबिलिटी, ये जरूरी है अच्छे ढंग से पढ़े जाने के लिए, फिर से फुल स्टॉप है। क्या लिखा हुआ है, बी फॉलो दीज स्टैंडर्ड्स वाइल टाइपिंग अ डॉक्यूमेंट, जब भी हम लोग किसी डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं तो इनको फॉलो करते हैं। तो ये डबल स्पेसिंग के चक्कर में ना पड़ें, ये कुछ और नहीं है, बस ये पैराग्राफ कोई भी बड़े ऐसे को अच्छे ढंग से पढ़ी जा सके, वो बिल्कुल सुसज्जित दिखे, अच्छे दिखे, उसके लिए ये टर्म का यूज किया गया है। डबल स्पेसिंग इज जस्ट अ टर्म, है ना, आप जिस तरीके से मैटर को टाइप कर रहे हैं आप करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब भी डिक्टेशन को शुरू करें तो सबसे पहले आप टैब को जरूर दबाएं एक बार, या फिर आप 5 टाइम्स स्पेस को दबाएं फिर डिक्टेशन शुरू करें। जब भी आपको पैराग्राफ चेंज करनी हो तो आप एक बार इंटर प्रेस करें, नीचे चला जाएगा वो कर्सर, फिर आप वहाँ पे टैब को इंटर करें और फिर वहाँ से मैटर शुरू करें, है ना। जब भी आपको पैराग्राफ चेंज करेंगे तो आप टैब का यूज करें या फिर 5 टाइम्स स्पेस का यूज करें, बेहतर होगा आप टैब का यूज करें, और फुल स्टॉप और कॉमा के बाद एक बार स्पेस का यूज जरूर करें। यही डबल स्पेसिंग है और कुछ नहीं। सो आई होप ये डबल स्पेसिंग की कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्किल टेस्ट। जय हिंद।